कृष्णा नाई सिनेमा का कीड़ा था। वो किसी भी हीरो की तरह दिखने वाले लोगों के लिए वो हर तरह के हीरो के जैसे बाल काट सकता था। जो जिस भी प्रकार के हीरो की तरह बाल काटना चाहता था वो ठीक वैसा ही बाल काट देता था। क्यों जी राय काका, आपकी पूजा हुई? हाँ हो गया है, लेकिन पूजा के समय तुम मुझे परेशान नहीं करो, समझे? मैं अभी गुरु की पूजा कर रहा हूँ अपने। वाह मेरे गुरु, बोल तेरा हेयर कट कैसा रखना है, बोल। देखिए आपकी पूजा तो हो गई है, मेरी थोड़ी हीरो जैसी स्टाइल कर दो ना। हाँ ठीक है ठीक है, वैसा ही हो जाएगा, बैठो। और साथ में डायलॉग भी बोलोगे ना? हाँ होगा होगा, नया पुराना सब मिलेगा। बोल तुझे क्या चाहिए, बोल। चलो ना, मूवी कितना बार देखेंगे, सुबह देखें, दोपहर को देखें, अभी रात को भी देखना है क्या? मैं तो थक चुकी हूँ फिल्म देख देख के। अरे क्या बोल रही हो, अरे चार शो का टिकट खरीदा है, पूरा शो देख के ही जाएंगे। ओहो ये पागल आदमी को लेके मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग खराब कर देते हो। मैं तो घर जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है करो, बैठ के देखो। मैं घर जा रही हूँ, मुझे जाके रात का खाना भी तो बनाना है ना, फिल्म देखने से थोड़ी ना पेट भरेंगे। ठीक है तुम घर जाके खाना पकाओ, मैं रात वाला शो देखकर घर आ जाता हूँ। ए, सो की रहा है, उठ जा उठ जा। नहीं नहीं, अरे कल बहुत रात तक मैंने नाइट शो देखा ना, इसीलिए बस सोच रहा था। बहुत बढ़िया। ओहो ये फिर से शुरू हो गया। रुक रुक रुक, पहले मेरी बात सुनो। कुछ दिन बाद मेरी बेटे की शादी है, तो लड़के वाले आ रहे हैं, तो मेरे बाल अच्छे से काट दे, हीरो की तरह मेरे बाल काट दे। हाँ अभी काट देता हूँ। क्योंकि लड़के वाले के सामने मैं सुंदर नजर आना चाहिए हूँ, क्योंकि लड़कों वालों के सामने मैं सुंदर दिखना चाहता हूँ। एकदम पक्का। अरे ओ कृष्णा, कितना वक्त लगेगा, जल्दी कर। अरे हुआ क्या, जल्दी कर। ये नींद के कारण मैंने क्या सर्वनाश कर दिया, अब तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो यहाँ से भागना पड़ेगा, जान बचे तो लाख उपाय। पता है कृष्णा कि मेरा दामाद कितना अच्छा है, मैं ऐसा ही दामाद चाहता था, बहुत बढ़िया लड़का है पता है। भागो भागो। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं, और कब तक मैं आंखें बंद करके बैठा रहूँ। अरे मुझे जल्दी घर पहुँचना है, बहुत सारे काम निपटाने हैं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे जान से मार दूंगा मैं। एक बार तू मेरे हाथ तो आ, तुझे जान से मार दूंगा मैं, टांग तोड़ कर रख दूंगा। ये सब विरोधी पार्टी का साजिश है, साजिश है। तुम लोग दिन भर सोचते रहते हो कि कैसे मुझे बदनाम करे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको चुन चुन के मारूंगा। इस गांव का मुखिया मैं हूँ, तू इस गांव में कैसे घुसता है मैं देखता हूँ, मैं तेरा गांव में घुसना ही बंद कर दूंगा। मैं कौन हूँ तुझे दिखा कर रहूंगा मैं। अब क्या होगा, अब तो मुझे गांव में वापस जाने को भी नहीं मिलेगा। भाग्यवान तुम्हारी बात याद आ रही है, ये सिनेमा ही मेरा काल है, अब जीवन में कभी सिनेमा नहीं देखूंगा। ऐसा बात कभी नहीं बोलने का। अरे तुम बात कर सकते हो? तुम लोग क्या सोचते हो कि खाली इंसान ही बातें कर सकते हैं? हम भी बात कर सकते हैं, हमारा भी खुद की भाषा है, जिस भाषा में हम बात करते हैं वो भाषा तुम लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए मैंने तुम्हें दिखा दिया कि हम लोग भी बातें कर सकते हैं। अभी बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है। तुमने बहुत ही गलत काम किया है, क्या तुमने उससे माफी मांगा? मैं डर के मारे यहाँ भाग आया हूँ। समझ गया, वापस लौट जाओ। वापस चले जाऊंगा तो समस्या हो जाएगी, मेरी बीवी को विधवा होना पड़ेगा। अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं भी तुम्हारा एक काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी रूप बदलने का बंदोबस्त करके दे सकता हूँ। बोलो बोलो। मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं और इसके कारण मुझे बहुत ही खुजली हो रही है,
तो क्या तुम मेरे बाल काट सकते हो? अभी कर देता हूँ मैं। वाह, तुम तो बहुत ही अच्छा बाल काटते हो। अब बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए? मेरी पत्नी। ओहो, अब मैं पत्नी कहाँ से लाऊं? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा रूप बदल सकता हूँ। अब बोलो कि तुम्हें कौन सा रूप चाहिए? ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ भी बना सकते हो, मतलब चिंपांजी। नहीं, चिंपांजी को देख के लोग डरेंगे। उससे अच्छा है कि तुम एक बंदर बन जाओ, तो कभी इस पेड़ में तो कभी उस पेड़ में झूलते ही रहना, पर तुम्हारी आवाज यही रहेगी। एक विनती है। और क्या चाहिए? अगर मैं अपना बाल रख सकूं तो। अच्छा तो ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना, अगर माफी नहीं मांग सके तो जिंदगी भर बंदरों की तरह पेड़ पर ही झूलना पड़ेगा और इंसान का रूप नहीं मिल पाएगा। अब मैं जाता हूँ, तुम भी जाओ, जाओ घर जाओ और जाकर माफी मांग लो। भाग्यवान, एक गिलास पानी दो। पानी, मैं तुम्हारा पति कृष्णा हूँ, तुम्हारा पति शोना 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 शोना। ए, भाग यहाँ से, बंदर कहीं का। मेरे सर का बाल देखो। अच्छा, मेरा पति जैसा बाल बना के आए हो, झूठा कहीं का। रुक, मैं अरे मुझे दर्द हो रहा है। अरे मेरा बाल छोड़ो। असली बाल है? असली नहीं है तो क्या नकली है? ये मेरे बाल है। आप कहाँ चले गए थे? ये सब भेड़ का जादू है, मैं बताता हूँ। हाँ सुनो, भाग्यवान मुझे थोड़े दिन छुपा के रखो, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। अरे बाबा, अभी क्या होगा? आप कुछ सोचा है क्या? ओहो, अब मैं क्या करूं? मैंने तो दूसरे गांव में भी ढूंढा, पर वो कहीं पर भी नहीं मिला। अब मैं क्या करूं, बताओ मुझे। अरे नाई के बिना शादी नहीं होगी, अब क्यों नहीं समझते हैं? क्या होगा मेरी बेटी का? अरे अभी तो शादी का महीना है, मुझे कहां कोई नाई मिलेगा? सब अपने काम में व्यस्त है, कहीं कोई नाई नहीं मिलेगा और कोई भी फ्री नहीं है। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मेरी एक इकलौती बेटी है, उसका शादी टूट जाएगी क्या? मैं आपकी बेटी की शादी को खराब नहीं होने दूंगा। कौन है तू? मैं बंदर नाई हूँ, हमारा सारा खानदान नाई है। ओहो, तुमने मुझे बचा लिया, अब मेरी बेटी की शादी होगी। जाओ जाओ, जल्दी जाके अपना काम शुरू कर दो। अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बंदर और नाई, ये बाल कैसे काटेगा? नाना, बंदर नहीं। छोड़ो ना, आपके लिए आज ये मुसीबत हुआ है। अरे बंदर हुआ तो क्या हुआ, इंसान जैसा बात कर रहे हैं वो। अरे तो बोल रहे हो नाई है, सब कर देगा नाई का काम, तो आपको क्या दिक्कत है? पर इसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही है, मैंने इसकी आवाज़ कहीं सुना है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओ बंदर भाई, आपको जो भी चाहिए हम सब देने के लिए तैयार है। अब जाओ जाओ, अपने काम पे लग जाओ। भैया जी, मैंने सबका बाल नाखून काट दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अरे इसमें बोलने की क्या बात है, बस मुझे केला दे दीजिए। पर ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हारी आवाज पहले भी कहीं सुनी है? क्या हुआ, आपने माफी मांगा उनसे? नहीं, कल सुबह मुझे दोबारा जाना होगा, देखता हूँ। अरे देखा, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने उनको दिया ही नहीं उनको जो देना था। देखो रह गया, आप जाके देखे आऊंगा एक बार। अब मैं उसे कहाँ ढूंढने जाऊँ, उसका कोई पता ठिकाना भी नहीं है मेरे पास। तुम क्या कहती हो भाग्यवान? वो बोल रहा था ना कि उनका पूरा खानदान नाई है। आप एक काम करो ना, अपना जो गाँव का नाई है उसके घर पे जाके एक बार पूछ के आओ। देखा, मैं इतने गुस्से में था कि कृष्णा की पत्नी को ही शादी में बुलाना भूल गया। छी, अब मुझे खुद ही कृष्णा की पत्नी को बुलाना पड़ेगा। दो, मैं जाता हूँ, वहाँ जाकर बंदर नाई का पता मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। जाकर देखता हूँ अभी के अभी। आ, 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 आ,
कृष्णा, ओ कृष्णा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ मैं आपका कृष्णा नहीं। हाँ तभी तो मैं सोचूं कि तेरी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। मैं पहचान नहीं पा रहा था कि तू वही मुझे है। माफ कर दीजिए भैया जी, मुझसे अन्याय हो गया है। तूने मेरी बेटी की शादी टूटने से बचा लिया, तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तुझे तो मैं माफ करूंगा ही करूंगा। एक पते की बात बताऊं, जब से मेरे सर पे बाल नहीं है मेरी पत्नी मुझे ज्यादा प्यार करने लगी है, बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और मेरे सर पर पफती भी लेती है। क्या बोलूं, दिल बाग बाग हो गया।